नमस्कार दोस्तों, आज अनावरण झिल्ली पर्दा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेट और आंत की भीतरी दीवार की एक झिल्ली से ढकी होती है, इसे अंत्रावक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में पर्दा होने की स्थिति को अंत्रावक झिल्ली पर्दा कहते हैं। छोटे बच्चे को नाभि पक जाने से या संक्रमित हो जाने से यह रोग हो सकता है। बड़ों को सर्दी लगना, ऑपरेशन, रक्त की विषाक्तता, किसी तरह का आघात लगना आदि कारणों से कुछ भी कारण हो सकता है। कभी कभी गैस्ट्रिक के पुराने हो जाने से आंतों में छेद हो, सिहरन के साथ ज्वर, पेट फूलना, पेट में गैस, पेट में दर्द, ऐठन, हिचकी, कह, पैखाना, पेशाब का रुक जाना औपसर्गिक लक्षण है। दोस्तों, इसके सहायक उपचार फेरम फास है, कैलकेरिया सल्फ, कैलीम्यूर, साइलेशिया, इन चारों दवाइयों का मिश्रित योग में से 3-4 मात्राएं गर्म पानी के साथ सेवन कराने से यह रोग ठीक हो जाता है। अन्य होम्योपैथिक में लक्षण के अनुसार एकोनाइट, बेलाडोना, कार्बोबेज, कैंथरिस, आर्सेनिक, एसाफिटिडा, ये लक्षणों के हिसाब से। अगर शिनुवार का पत्र है तो उसका रस निकाल के देने से ठीक हो जाता है। रसौत आधा से 2 मासा की मात्रा मक्खन और मलाई के साथ मिलाकर सुबह शाम देने से भी आंत्र के जख्म ठीक हो जाते हैं। मजीठ का चूर्ण 1-3 मासा की मात्रा में नित्य 3 बार सेवन करने से दर्द शांति मिलती है। करंज के मूल का स्वरस 3 मासा की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से पकाशय का वर्ण, आंत्रवर्ण ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।